प्रदेश भर में साफ सुथरी मांगों को लेकर विगत दो दिनों से चल रहा फार्मासिस्टों का कार्य बहिष्कार जारी है। अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। बुधवार को भी राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के फार्मासिस्टों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के दौरान जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार तंवर, नीलेश साहू, अजय कुमार, रोहित यादव, सिद्धार्थ सोनी, कुलदीप चौधरी, धर्मचंद तथा विक्रम सिंह सहित अन्य फार्मासिस्ट शामिल रहे। उधर फार्मासिस्टों के कार्य बहिष्कार के कारण प्रतिदिन रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल का आउटडोर शुरू होते ही फार्मासिस्ट कार्य बहिष्कार पर चले जाते हैं, जिसके कारण दवा काउंटरों पर दवा लेने वाले रोगियों तथा परिजनों की लाइन लग जाती है। धीरे धीरे यह लाइन बढ़ती जाती है, जिसके चलते लाइन में लगी महिलाओं तथा वृद्ध रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम 11 तारीख से लगा के 14 तारीख तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार पे हैं। जब तक राजस्थान सरकार हमारे साफ सुथरी मांगों को लेकर कुछ उचित कार्रवाई नहीं करती, तब तक हम 14 तारीख तक हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार पे हों। 15 तारीख को राजस्थान के समस्त फार्मासी छुट्टी पे रहेंगे, मास सीएल पे रहेंगे, और इस प्रकार जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम आगे भी धरना देते रहेंगे।